हेलो फ्रेंड्स, बेट्स एंड बाइट्स, फिशिंग एडवेंचर वंडमान, नया एपिसोड है आज का। आप सभी का स्वागत है इस नए एपिसोड में। तो इंट्रो कार के अंदर बना रहा हूँ भाई, क्योंकि बारिश है बहुत ज़्यादा बाहर, और यहाँ पे एक अलर्ट भी है, ऑरेंज अलर्ट है बारिश का। मौसम ठीक है फिशिंग के लिए, समंदर में ज़्यादा लहरें वगैरह रहेंगी नहीं। और मेरे साथ में आज फिशिंग करने के लिए आज जुड़े हैं मेरे साथ एंगलर सजीवन जी। ये बिगिनर हैं और कार ड्राइव कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इन्होंने कास्टिंग वगैरह करना सीख लिया है। जैसा कुछ भी मैं बताता हूँ उनको, कुछ भी जो टेक्निक बताता हूँ, वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज कुछ फिश कैच करेंगे। और पीछे मेरे यहाँ पे बैठे हैं एटोम, लाइट में दिखाना चाहूँगा, एटोम पीछे बैठे हैं। एटोम है, वॉचफुल है, एक हमारी टीम है जो कि इनका बोट है, इनके बोट में हम जाते हैं फिशिंग करने अमूमन। तो जैसे ये आए हैं वापस, तो इनको लेकर हम जा रहे हैं, क्योंकि आज मौसम ठीक है, पानी का कंडीशन भी बहुत अच्छा है, बारिश रहेगी, हल्की हल्की बारिश रहेगी। तो आज मेरा सेटअप रहेगा शिमानो सारागोसा 14,000 पॉपिंग के लिए। पॉपिंग रॉड भी पकड़ा हूँ, यूप्रो ओशन लूप, और जिगिंग करूँगा। मेन तो मेरा टारगेट है जिगिंग, वर्टिकल जिगिंग, वर्टिकल जिगिंग। मैं आज कुछ फास्ट जिग को भी ट्राई करूँगा, जैसा गोमुकू का सुपर जिग्स है जो इब्राहिम फिशिंग टैकल से मुझे भेजा गया है। और ये जो आप जर्सी देख रहे हैं ना, ये जर्सी बहुत ही खूबसूरत जर्सी, ये कोस्टल एंगलर की तरफ से भेजा गया है। और कोस्टल एंगलर इंडिया में सबसे एक लाजवाब टैकल स्टोर है, जो आप हमें अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ से परचेज कर सकते हो, खास करके अंडमान वाले, अंडमान निकोबार आइलैंड में जैसे हिल टू ओशियन सप्लाई करते हैं, विनायक फिशिंग टैकल सप्लाई करते हैं, और कबराल आउटडोर्स करते हैं। तो उसी तरह से ये हमारा आसिफ भाई का है कोस्टल एंगलर, ये भी सप्लाई करते हैं। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या स्क्रीन में दे दूंगा नंबर, उनका व्हाट्सअप नंबर, तो उनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आज का देखें, मज़ा आने वाला है, खूब मज़ा आएगा। और तो हम तो चलिए फाइनली जिग पारा स्लो को उठाना ही पड़ा है। दो तरफ, एक ऊपर की तरफ दो असिस्ट हुक हैं, नीचे की तरफ एक सिंगल असिस्ट हुक है, और ये 60 ग्राम का जिग है, और ये ल्यूमिनस ग्लो है। ये जब दिन की रोशनी जो इस लूर पे पड़ेगा ना, जिग पे पड़ेगा, ये रोशनी जो है अब्जॉर्ब करेगा, और पानी के अंदर ये जो सफ़ेद रंग की रेखाएँ देख रही हैं ना, ये रिफ्लेक्ट करता है पानी के अंदर। तो चलिए, वन ऑफ माई फेवरेट जिग पारा स्लो, हो सकता है कि पहले ही कास्ट में फिश लग जाए। तो हम सामने वो रॉक नज़र आ रहा है, तो हम रॉक के जस्ट बगल पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे जिग पारा स्लो को ड्रॉप करके देखता हूँ, यहाँ नीचे हमेशा बेट बॉल रहता है, तो चांसेस हैं कि कुछ ट्रिवेरी वगैरह यहाँ पे घूम रहा हूँ नीचे। हमारा ये रॉड फिशिंग का गेम जो है ना, ये प्रेडिक्शन के ऊपर सब डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेडिक्ट करते हो। ओके हबीबी, ओके बूम बेबी, ग्रुपर ग्रुपर, ओहो नाइस फिश मैन, सुंदर है नाइस फिश, स्नैपर। ब्यूटीफुल स्नैपर दिख पा रहा स्लो में।
ओके बूम बेबी हूहू हबीबी ये है कुछ खास। अभी हम स्पॉट पे पहुंचे हैं। ये तो बनता है 60 एलबी का ब्रेड है भाई, जो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। अभी गजब का ब्रेड है, 60 एलबी है। तो 60 एलबी मैंने मंगाया था इब्राहिम फिशिंग टैकल से, उससे मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे भेजिए लाइन, और उन्होंने ये टेस्ट के लिए भेजा है। तो आज मैं बेफिक्र होकर लिफ्ट कर पाऊंगा, लाइन का टूटने का इतना जल्दी टेंशन रहेगा नहीं। मंताप ओके ओके नाइस मैन वूहू ब्यूटी कमाल का ग्रुपर। इसको हम यहाँ अंडमान में बोलते हैं टमाटर गोबरा। जैसे ही मैंने जिगिंग शुरू किया वैसे ही बैंग। जिग पारा स्लो जिग की खासियत है। गुड, डूबने दो सर, सर डूबने दो। हाँ पीछे सजीवन सर हैं, लगाजमा रहे हैं। ओके बूम बेबी अब जिग निकालो सजीवन सर, जिग निकालो सजीवन सर, जिग ट्राई करो। शायद वही ग्रुपर है, भाई बहन अभी कजिन है, अब फैमिली मिला है, फैमिली पैक। क्योंकि हमारे पास कोई जीपीएस नहीं है, फिश फाइंडर नहीं है, तो हमको पता नहीं रहता है कि पानी के अंदर क्या है, बस हम अंदाज़ा लगा कर फिशिंग करते हैं। ओके ब्लूफिन ब्लूफिन ट्रेवली जिग पारा स्लो में, बहुत खूबसूरत है भाई। अच्छा हुकअप हुआ है, तो एक ब्लूप्रिंट रिवेली भी लैंड कर लिया है। तकरीबन आधा घंटा हम ड्रिफ्ट करके आए, उसके बाद जाकर हमको एक स्पॉट मिला, क्योंकि पानी के अंदर क्या चल रहा है क्या है वो तो रब जानता है बेहतर, क्योंकि हमको तो नज़र आता नहीं है, फिश फाइंडर नहीं है हमारे पास, बस एक अंदाज़ा है, एक प्रेडिक्शन है। तो वर्टिकल जिगिंग जब करते हो तो बोट को ड्रिफ्ट कराते हुए करें, कोशिश करें। हाँ अगर आपके पास फिश फाइंडर है तो बस एक जगह खड़े हो जाएं और शुरू हो जाएं। ये जिग का कोई तोड़ नहीं है, जिग पारा। वर्टिकल जिगिंग में आपका लाइन जो है रॉड और लाइन सीधा रहना, रॉड सीधा रहेगा तो लाइन सीधा आपके सामने खड़ा पोजिशन में रहना, स्ट्रेट लाइन में। क्या मच्छी है क्या इसमें कि जिग है? जिग फंस गया मेरा, जिग फंस गया, बेलाम खोल दो। यस ड्रैग तो टाइट करो, ड्रैग तो टाइट करो। इन सर को लगा है मच्छी, एक फिश बस है, बस है कहाँ कुछ टाइट ही चाहिए पर जाता ना मेन कोटिज वो कुछ ढीला, कुछ ढीला। ओके बस बस आप लो ना, ग्रुपर होएगा। फर्स्ट फिश, ऐसी रखो ऐसी रखो ऐसी रखो। ओके फर्स्ट जिगिंग में एक फिश लैंड किया, मच्छी मर गया। हार्ट अटैक हो गया, किसका हाथ में चलेगी उन्होंने। गुड
ठीक है भाई, एक तो लगा। ये वही स्पॉट है भाई, ये भी ग्रुपर है कि स्नैपर है? आ तो रहा है ग्रुपर की तरह। ओ बढ़िया, जैसे मैंने कहा कि स्लो पिच जिग में अच्छा रिजल्ट है, खास करके जिग बड़ा स्लो। स्नैपर अड्डा, ब्यूटीफुल स्नैपर। तो कोमोको का पावर जिग, कोमोको सुपर जिग इसको यूज करेंगे, फास्ट जिग है। स्टार्ट का फास्ट टच है, देखते हैं किससे कुछ काम बनता है या नहीं। उम्मीद तो कर रहा हूँ कि इस जिग से भी कुछ काम बन जाए। अच्छा जी है, बहुत अच्छा जी है। ओके, लगा कोमोको में, लगा भाई। ये कोई बनीटो टाइप का लग रहा है, बहुत ज़्यादा झटका दे रहा है भाई। ओके, कोमोको सुपर जिग में बनीटो, ये ना मार्लिन और टूना के लिए सबसे बढ़िया बेट माना जाता है। कोमोको सुपर जिग और इसमें लगा है ये स्पून। दो ना स्पून उठाया था ना, चम्मच का तरह चारा था ना, जल्दी दो। हाँ घर हाँ क्या चलो चल। ओके, स्पून में पकड़ लिया भाई, स्पून में पकड़ा ट्रेवली। आ रहा टैकल के स्पून है, गजब का झटका देता भाई जिगिंग रॉड से। वो भी चले गई है क्या, है बारागुड़ा है क्या? ओ वाह साहब, मंदाप जिगिंग रोड से कास्ट किया गांव लेके। ना देरी पॉपर वगैरह कास्ट किया, लगा नहीं। ऐसा लग रहा है कि त्रिवेली जैसा तो कर रहा है, पानी के अंदर झटके दे रहे हैं। बाराकोड़ा तो नहीं, अभी कमर तारा फूट गया। Thank you.
आ रहा टैकल स्पून में। ओके बूम बेबी वूहू हबीबी ये स्पून में पकड़ा देखो, ये आरा टैकल स्पून है, अवेलेबल है हिल्ट ओशियन में, कमाल का।